अदा की दूसरी और तीसरी मूवी पूरी तरह से फ्लॉप रही, जिसके बाद वह दिखी साल 2014 में तेलुगु मूवी हार्ट अटैक में, जो उनकी डेब्यू मूवी बनी तेलुगु इंडस्ट्री की एंड बॉलीवुड मूवी 2014 की ही हसी तो फसी में। दोनों ही मूवी काफी सक्सेसफुल रही। हसी तो फसी 2014 की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज में शामिल हुई, जिसके बाद वह 2015 में हिस्सा रही तेलुगु मूवी सन ऑफ सत्यमूर्ति की, जिसमें वह स्क्रीन शेयर करती दिखी साउथ के जाने माने एक्टर अल्लू अर्जुन एंड समंता प्रभु के साथ। साल 2015 में ही अदा ने अपना कन्नड़ मूवी इंडस्ट्री में भी अपना डेब्यू किया मूवी राणा विक्रम से। अदा की दोनों ही मूवीज हिट साबित हुई, यहाँ तक कि तेलुगु मूवी सन ऑफ सत्यमूर्ति बन गई थी हाईएस्ट ग्रोसिंग तेलुगु फिल्म ऑफ ऑल टाइम। अदा जिसके बाद नजर आई सुब्रमण्यम फॉर सेल साल 2015 में ही एंड 2016 में तेलुगु मूवी गरम एंड शनम में। अदा ने बॉलीवुड मूवी कमांडो के लिए भी ऑडिशन दिए थे, लेकिन 3 महीने तक भी उन्हें किसी का भी फोन नहीं आया उनके रोल के बारे में, जिसके कई महीने बाद उन्हें पता चला कि उनके रोल की बजाय मेकर्स ये चाहते थे कि ये रोल किसी वेल नोन फेस को दे दिया जाए। इसी दौरान उनकी तेलुगु मूवी शनम भी रिलीज हुई, जो कि बहुत सक्सेसफुल साबित रही। तब मेकर्स को रियलाइज हुआ कि उन्हें अदा को भी मूवी में कास्ट करना चाहिए, तब उन्हें तेलुगु कॉप का रोल मिला। अदा कमांडो के बाद चार्ली चैपलिन, बाईपास रोड, कल्की, कमांडो 3 का भी हिस्सा रह चुकी हैं। इस साल रिलीज हुई अदा की मूवी रही केरला स्टोरी, जिसने उन्हें घर घर तक पहुंचने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। अदा के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, वह आज जिस भी मुकाम पर है सिर्फ अपने खुद के दम पर। अदा की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर, साथ ही वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा।